फ्रेंड्स, विजन वेलकम्स यू। माई सेल्फ प्रशांत सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे अलग अलग करते हैं, उसकी जो एक्सरसाइज और उसका आंसर है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये ज़रा मशीन पहचान के बताओ कौन सी मशीन है, कुछ याद आया? हाँ, ये है कंबाइन हार्वेस्टर। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है वो ये रही। पहला ट्रू फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला है द इनसॉल्युबल सॉलिड इज रिटेन्ड इन फिल्टरिंग डिवाइस ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। जो घुलने वाली चीज़ें, जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, जो नहीं घुलते हैं, वो फिल्टरिंग डिवाइस में रह जाते हैं फिल्टरिंग करते समय। यानी कि जब जैसे छलनी से चाय जब छानते हो तो ऊपर क्या रह जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं जो घुल नहीं पाते, है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप ट्रू लिख देना। फिर अगला है द मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। एक तो कॉमन साल्ट और वाटर, सादा नमक और पानी, इसको घोल लिया है, उसको हम अलग करेंगे फिल्ट्रेशन से। क्या छानने से वो अलग हो जाएगा नमक घुला हुआ पानी? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ फॉल्स लिख लीजिएगा। द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। लिक्विड अबव द सेडिमेंट, सेडिमेंट के ऊपर जो लिक्विड होता है उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। यानी कि अगर ये आपका लिक्विड है यहाँ तक भरा हुआ, तो इसमें जो नीचे पार्ट गंदगी है, ठीक है, और गंदगी से ऊपर ये इतना साफ़ पानी है, तो इस साफ पानी को हम सुपरनेटेंट कहते हैं, इनका कहना है। तो ये सही है या गलत बताइए? बिल्कुल ये सही होगा, तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। कंडेंसेशन टेक प्लेस व्हेन वाटर हिट्स अ हॉट सरफेस। कंडेंसेशन जब होता है, जब पानी गर्म सरफेस को टच करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंडेंसेशन कब होता है? जब वाटर वेपर कोल्ड सरफेस को टच करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। व्हेन द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। वह सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं? बिल्कुल नहीं, वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर फॉल्स लिख लेंगे। द शुगर इन पाउडर्ड फॉर्म डिजॉल्व फास्टर देन कंपेयर टू होल शुगर क्यूब्स। यानी कि जो चीनी अगर पाउडर फॉर्म में हो, पिसी हुई चीनी हो, वो तेज घुलती है, जल्दी डिजॉल्व हो जाती है पानी में, कंपेयर टू होल शुगर। जब यानी कि पूरी पूरी चीनी डाल दो, यानी दो ग्लास आपको लेने हैं, एक में चीनी डालनी है और एक में पिसी हुई चीनी डालनी है। तो इनका कहना है, तो जो पिसी हुई चीनी है वो पाउडर फॉर्म में है, वो जल्दी से घुल जाती है। तो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं ये लोग? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रू लिख दे रहा। तो ट्रू फॉल्स समझ में आया? अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक में फिल कर लेना। फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। थ्रेसिंग विनोइंग इन्वॉल्व बीटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप टू सेपरेट द ग्रेन्स। हार्वेस्टेड क्रॉप्स, कटी हुई फसल से अलग करना ग्रेन्स को, कौन से मेथड से यूज होता है? कटी हुई फसल से दाने होते हैं उनको अलग किया जाता है थ्रेसिंग के द्वारा। तो यहाँ थ्रेसिंग आएगा। विनोइंग में हवा से अलग करते हैं, तो यहाँ पर थ्रेसिंग आएगा। सीविंग इज यूज सेपरेट टू सब्सटेंस विद डिफरेंट सेम साइज। सीविंग कब यूज होता है? जब सब्सटेंस सेम साइज के होते हैं या डिफरेंट साइज के होते हैं। यानी छलनी कब लगाओगे? जब सब्सटेंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, उनका साइज जो होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। यानी मोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं या नीचे और चीज़ पाउडर फॉर्म में है, तो सीविंग से निकल जाएगा। सीविंग मतलब छानना, तो यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा। कंडेंसेशन इज अपोजिट टू इवेपोरेशन या सिमिलर टू इवेपोरेशन। तो कंडेंसेशन इवेपोरेशन का हमेशा अपोजिट होता है, क्योंकि कंडेंसेशन में भाप पानी बनती है और इवेपोरेशन में पानी भाप बन जाता है। दोनों का प्रोसेस जस्ट रिवर्स होता है, तो यहाँ पर अपोजिट आ जाएगा। फोर, फॉर फिल्ट्रेशन द पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड शुड बी। फॉर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के लिए पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स, जो घुलता नहीं है उनके पार्टिकल्स स्मॉलर होंगे, बिगर होंगे देन द होल्स इन फिल्टरिंग डिवाइस।
जो फिल्टरिंग डिवाइस है छानने की छलनी है, उसके छलनी के छेदों से जो पार्टिकल होंगे कैसे होने चाहिए, बड़े या छोटे? छेदों से बड़े होने चाहिए, तभी तो ऊपर रह पाएंगे, तो यहाँ पर बिगर लिख देंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी इंक्रीज डिक्रीज बाई हीटिंग ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की बढ़ जाती है, घट जाती है हीटिंग करने पर। तो जब हम खौलाते हैं, कोई चीज़ गर्म करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि आपको चीनी में पानी घोलना है, पानी में चीनी घोलना है तो पानी को गर्म कर दो तो जल्दी खुल जाएगी, तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, यानी हीटिंग जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। शुगर डिजॉल्व फास्टर व्हेन द सॉल्यूशन इज स्टर्ड लेफ्ट अनस्टर्ड। शुगर यानी चीनी जल्दी घुल जाती है किसमें? उस गिलास में जिसको छूना नहीं है, चीनी डालने के बाद भूल गए हम, दूसरा जिसको स्टर कर दिया यानी हिला दिया, चम्मच से चीनी डाल के हिला दिया, तो किसमें जल्दी घुलेगी? जिसको हमने स्टर किया हुआ है, तो यहाँ पर स्टर्ड आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। सुपरनेटेंट क्या होता है? जब भी हम सेडिमेंटेशन डिकंडेशन करते हैं तो ऊपर का बचा हुआ साफ पानी सुपरनेटेंट कहलाता है। तो यानी लिक्विड अबव सेडिमेंट, सेडिमेंट से ऊपर का लिक्विड जो है वो सुपरनेटेंट कहलाएगा। फिर सेडिमेंट क्या है? सेडिमेंट वो है जहाँ पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन, तो इसको इससे मैच कर देंगे। इवेपोरेशन, पानी का भाप बन जाना, यानी लिक्विड चेंज इनटू गैसेस, इससे मैच कर देंगे। और ये सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट सब्सटेंस दैट डिजॉल्व, वह चीज़ जो घुल जाती है, ठीक है, इसको इससे मैच कर देंगे। फिर विनोइंग क्या है? विनोइंग हवा से चाफ को अलग करना, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ बाई वेंट, इसको इससे मैच कर देंगे। और जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन में गैस जो है वो लिक्विड बदल जाती है कूलिंग होने पर, ठीक है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। समझ में आया मैचिंग? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। थ्रेसिंग इज यूज टू सेपरेट। थ्रेसिंग कब यूज की जाती है? चाफ को ग्रेन से अलग करना हो, स्टोन को ग्रेन से अलग करना हो, सैंड को ग्रेन से अलग करना हो, या ग्रेन को स्टाक से अलग करना हो। तो जब ग्रेन को स्टाक से अलग करते हैं, यानी फसल काटी और उसमें दाने निकालने हैं, तो थ्रेसिंग यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम ग्रेन। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं ग्रेन में, तो उसको कैसे अलग करोगे? थ्रेशिंग करोगे, विनोइंग करोगे, हैंड पिकिंग या सीविंग? तो कंकड़ पत्थर को हम सबसे अच्छा तरीका यही है, हाथ से उठा के फेंक दो, हैंड पिकिंग आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। रेत और पानी का मिक्सचर रखा हुआ, उसको अलग करना है, तो उससे फिल्टर करना है, हाथ से उठा उठा के अलग करना है, कंडेंसेशन कर देना है या विनोइंग कर देना है। तो यहाँ पर सही मेथड होगा फिल्ट्रेशन। सैंड और वाटर है तो पतली छन्नी लगा दीजिए, तो रेत ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा, तो फिल्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। फिर है, व्हाट आर सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंट कॉल्ड। सेडिमेंटेशन के दौरान जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिकेंटेशन, सेडिमेंट्स, सुपरनेटेंट्स और फिल्टर, तो उसको जो नीचे बैठते हैं उसको सेडिमेंट्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। वह कौन सा मेथड है जिससे सॉल्ट और वाटर को हम अलग करते हैं? वह कौन सा मेथड है जिसको जिससे हम सॉल्ट और वाटर को अलग करना है? फिल्ट्रेशन छानने से तो निकलेगा नहीं। फिर है ये आपका कंडेंसेशन, यानी कि भाप को ठंडा कर देना, तो भाप को कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। इवेपोरेशन, हाँ, इसको उबालेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नीचे नमक बचेगा, यानी साल्ट और वाटर को अलग करना है तो इवेपोरेशन का यूज किया जाएगा। फिर यहाँ विनोइंग मतलब हवा के द्वारा, तो हवा से तो नहीं होगा, इवेपोरेशन यहाँ पर सही होगा। यानी जब हम किसी वाटर और साल्ट को इवेपोरेट करेंगे तो वाटर जो है भाप बन के उड़ जाएगा और साल्ट साल्ट नीचे ग्लास में बच जाएगा, ठीक है। द साइज ऑफ द होल्स ऑफ द फिल्टरिंग डिवाइस शुड बी। जो फिल्टरिंग डिवाइस है, छलनी है, उसके जो छेद हैं वो साइज पार्टिकल से छोटे हों या बड़े हों, बिगर हों, सेम बराबर हों, स्मॉलर छोटे हों या अलग अलग हों। तो भाई पार्टिकल जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं उनसे तो छेद जो हैं वो छोटे होने चाहिए, तो स्मॉलर आएगा यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन इज कॉल्ड।
वह प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं पानी में, तो साफ पानी ऊपर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिकंटेशन या सीविंग। तो उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक टिक कर लीजिएगा। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड, वह सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं घोल सकते, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? सुगर सॉल्यूशन, डिजॉल्विंग साल्ट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम सैचुरेटेड यानी इसका पेट भरा हुआ संतृप्त सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना? तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिजॉल्व हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, किसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ साल्ट घुला होता है, इनमें से किस चीज़ में सबसे ज़्यादा साल्ट घुल जाएगा? ए ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में, ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, जो कमरे के टेम्परेचर है उसमें ग्लास पानी रखा हो उसमें ज़्यादा घुल जाएगा, या ग्लास ऑफ हॉट वाटर गर्म पानी में ज़्यादा घुल जाएगा, या सभी में सेम क्वांटिटी घुलेगी? तो भाई बताया था आपको कि गर्म करने से पानी की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें और मात्रा घुल जाएगी, तो यहाँ ग्लास ऑफ हॉट वाटर इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से वाटर में क्या सॉल्युबल है? सैंड, टी लीव्स, चाक और शुगर। पानी में क्या घुल जाएगा? सैंड तो नहीं घुलेगा, टी लीव्स नहीं घुलेगी, चाक नहीं घुलेगी, शुगर चीनी पानी में घुल जाएगी, ठीक है ना? तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, अ मशीन दैट रीप थ्रेस्ट एंड क्लीन द क्रॉप्स, वह मशीन जो कटाई भी करती है, थ्रेस भी करती है और साफ भी करती है फसल को, उसको क्या कहते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर। द मैथड यूज टू सेपरेट चाफ फ्रॉम द ग्रेन बाय बेंडर ब्लोइंग एयर, वह मैथड जिसमें अलग करते हैं चाफ को ग्रेन से बाय बेंड या हवा को चला के, तो वो होता है बिनोइंग। द प्रोसेस बाय विच एन इंसॉल्युबल सॉलिड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस, वह प्रोसेस जिसमें फिल्टरिंग डिवाइस से मिक्सचर से हम दो सब्सटेंस को अलग करते हैं, इंसॉल्युबल सॉलिड्स को अलग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा। द प्रोसेस पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स, सेडिमेंटेशन डिकंटेशन पढ़ा होगा आपने, तो उसमें बताया था हमने कि सेडिमेंटेशन में पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और डिकंटेशन में जो साफ पानी है उसको किसी और बर्तन में पोर आउट कर लेते हैं, डाल लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डिकंटेशन। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस, वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में बदल जाती है, लिक्विड का गैस में बदलना, पानी का भाप बदलना यानी कि एवेपोरेशन, ठीक है ना? चलिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? थ्रेसिंग तो दे ही रखा है यहाँ पर, ये थ्रेसिंग दे रखा है, और क्या हो सकता है? बिनोइंग हो सकता है, हैंड पिकिंग है, फिर आपका सीविंग हो जाएगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, एवेपोरेशन हो जाएगा और कंडेंसेशन, ये सारे मेथड्स जो हैं वो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के हैं। फिर यहाँ फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर शुगर में अगर वाटर ऐड करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, और यहाँ पर साल्ट में वाटर ऐड करेंगे तो साल्ट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से इसको आप कर लेना, अपनी अपनी बुक में इसको फिल कर लेना, और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना अपना नाम जरूर डालें जिससे पता चले कि किसने किसने वीडियो देखा है, ठीक है ना? तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।